पहली कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो गुजरात में पैदा हुआ, जिसने बचपन में एक बार देखा कि तालाब में मगरमच्छ भगवा झंडे को लेकर के डुबो रहा था। वो बच्चा तालाब में कूद करके मगरमच्छ से लड़ते हुए भगवा झंडे की रक्षा कर लेता है। कुछ दिन बाद वो बच्चा स्टेशन पर चाय बेचता है और उसके बाद 35 साल की लंबी तपस्या पर निकल जाता है और फिर वो स्वयं सेवक बन करके इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री बनने के बीच में, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चलता है कि मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री भी हासिल किया होता है जो कि फेक होती है। ये कोई कहानी नहीं, 2025 या 2030 में क्लास वन के टेक्स्ट बुक में लगा हुआ पहला चैप्टर हो सकता है। और दूसरी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो उत्तराखंड में पैदा होता है, जो कुछ दिन बाद अपना कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ करके स्कूल पढ़ने जाया करता था, मगर वो अच्छी तालीम नहीं पाता है तो सन्यासी बन जाता है, अपना नाम बदल देता है और फिर कुछ दिन बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है और सबसे पहला काम ये करता है कि देश में अब कोई पढ़ने ढंग से न जा पाए, सारे स्कूल के मास्टरों को अपनी रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए, सारे स्कूल के मास्टरों और शिक्षक शिक्षिकाओं को रंगोली बनवाने के लिए, और उसके बाद जो लोग बचे उनसे वो सारे काम करवाने के लिए जो शिक्षा के बिना दूसरे काम हो सकते हैं। और फिर एक दिन वो बैठ करके कुर्सी पर कहता है कि शिक्षकों की जरूरत क्या है, और वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। ये उस चैप्टर का दूसरा अध्याय हो सकता है उस क्लास का। असल में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी दिशा में जा रही है जो आपको गलत इतिहास पढ़ाएगी। जब लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के गलियारों तक झूठ बोला जा रहा हो तो फिर ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है जो सच पर जोर देती। एक जमाने में निदा फाजली ने लिखा था कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। आज कुछ लोग जब इस मुल्क के हुक्मरां बने तो उन्होंने ये सोचा कि चार किताबें पढ़ने का मौका तो हमें मिला नहीं, हमने नफरत फैलाकर इस देश में कुर्सी हासिल की, और उस नफरत के खिलाफ जो हमने झूठ बोला था चुनाव प्रचार के दौरान, उस झूठ के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाजें आई वो देश के विश्वविद्यालयों से आई। इसलिए उन्होंने शिक्षा को, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का सबसे प्राथमिक जिम्मा बना लिया और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये वही शिक्षा नीति है जो ये सुनिश्चित करेगी कि हम सबको पढ़ने का मौका न दें। क्या पढ़ाया जाएगा, मैंने सिलेबस की एक वानगी बताई है। आप हरियाणा राज्य का एक फरमान देखिए जिसमें गीता का एक अध्याय पढ़ाने जाने का फरमान जारी कर दिया गया। जब गीता पढ़ाई जाएगी, जब वेद पढ़ाए जाएंगे तो फिर चांद सितारों की बातें क्या होंगी, फिर वो झूठ कैसे चलेगा कि नाली के गैस से भी चाय बनती है, बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। असल में जो एजेंडा है एक मूर्खों की भीड़ जमा करने का, जिसे अचानक एक दिन समझाया जाए कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, सड़क पर उतर करके हिंसा करनी, वो उत्तराखंड और हरिद्वार में जब धर्म सभा करें और ये कहें कि हमें लोगों को काटना भी पड़े तो हम काटेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उस पूरे एजेंडे में अगर कोई बाधा है तो वो है शिक्षा। इसलिए शिक्षा के लिए एक मुकम्मल दस्तावेज लाया गया और इस दस्तावेज ने यह सुनिश्चित किया। मैं एक दो किस्से और सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में कुछ काम किए संसद को बाईपास करके, जिसमें से किसानों के 3 बिल आए तो उस बिल के तुरंत बाद ऐसा नहीं था कि मंडियां बिक गई थी,
और एंकर मीडिया में बैठ करके जो लोग वो किसानों से पूछते थे कि कोई मंडी बिकी तो नहीं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने ये समझा और समझाया कि जो नियम आया है आज नहीं कल उससे ये मंडियां बिक जाएंगी और हमारे खेत तक बिक जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP ये दस्तावेज वही कहता है कि आज नहीं कल ये सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी विश्वविद्यालय बिक जाएंगे और शिक्षा तक एक व्यापार बना दिया जाएगा। हमें उस किसान आंदोलन से अगर सीख लेनी है तो वो यही कि अगर वो अपनी बात इस पूरे मुल्क को समझाने में कामयाब हो गए तो शिक्षा की बात शिक्षक, छात्र और शोधार्थी नहीं समझा पाएंगे, फिर तो हमें शिक्षक, छात्र और शोधार्थी होने का भी कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी बात, इस कोविड काल में इस बिल को ले आया गया, NAP पास करा लिया गया, देश में सब कुछ खुल गया, चुनावी रैलियां करके चुनाव कर लिया गया, लेकिन DU JNU आज भी बंद है। वो इसीलिए क्योंकि जो काम अभी आज यहां हो रहा है वो कल DU और JNU में होगा, आप बस उसे डिले कर रहे हैं, आज नहीं कल होगा। और नई शिक्षा नीति के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तो बहुत पहले से नंदिता में बैठी हुई है, लगातार इस तरह के शिक्षक प्रावधानों को खिलाफ आवाज उठाते रहा। तो अब आपने किया क्या? उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि ज्योतिष विज्ञान विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान, उन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी थी, अब पता नहीं उनकी मेरिट कैसी कम रह गई कि उनको अगली बार NFS कर दिया गया, उनको नहीं बनाया गया मंत्री, अब बेचारे चले गए वापस, तो वो नॉट फाउंड सुटेबल हो गए। अब एक नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो वाक्य मैं यहां दर्ज करना चाहता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे NAP के जरिए, और उस स्किल में वो जो स्किल गिनवा रहा है वो कह रहा है कि हम पंचर बनाने का, टोटी बनाने का, कुम्हार का, लकड़ी का, लोहे का जो स्किल है वो डेवलप करेंगे ताकि प्लम्बर की जरूरत हो तो आपको खोजना ना पड़े। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि इस देश के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन सारी जातियों के लोग तो पुश्तैनी रूप से वो स्किल डेवलप करके अपने बच्चों का काम करते थे और उस पेशे को जीते थे, लेकिन जब उनकी जेब में एक रुपया बचता था तो वो चाहते थे कि वो स्कूल जाए, वो विश्वविद्यालय जाए। ये NAP वापस उस तबके के लोगों को उसी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वो उसी पेशे में ढकेलना चाहती, उनसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ब्यूरोक्रेट बनने का हक छीनना चाहती, ये इसमें खतरा। नए स्कूल खोले जाने थे, जब उस समय मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। मेरे अपने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ और उसमें आरक्षण खत्म कर दिया, 3.8% पिछड़े वर्ग के, और जब शिक्षक अपनी नौकरी मांगने जा रहे थे उनको लाठी मारा। दूसरा काम क्या किया उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण था, आज उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय ऐसे, गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां पर जो शिक्षक आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया, और आप जब उस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे तो वो लोग लड़ने और बोलने वाले लोग। मैं इस मंच से अपने प्रोफेसर हनी बाबू को याद करना चाहता हूं, उमर खालिद को याद करना चाहता हूं, प्रोफेसर आनंद तेलतुमड़े को याद करना चाहता हूं, और इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय होने का मतलब यह था डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, और वहां से आप नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन एजुकेशन, तो पहले से तय हो गया कि सबसे पहले इसके हाथ से छीनेगा किसका मौका, तो वो मौका इन्हीं के हाथ से छिनेगा और ये सारे लोग वापस जाएंगे। और नई शिक्षा नीति में मैं आखिरी किस्सा सुना के बाद खत्म करता हूं। हम लोग ऐसे लगता है कि मोबाइल को पढ़ा रहे हैं। 2 किस्से हैं मेरी अपनी क्लास के। पहली तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 50 लोग अगर उस क्लासरूम में है तो 25 आते हैं, और एक बार सोशल ऑडिट करिए कि वो 25 बच्चे जो क्लास ऑनलाइन नहीं ले पा रहे वो किस तबके से हैं। वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर, वो अपने आप दूर हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो ये एक्सक्लूजन का एक जरिया है। एक बच्चे को मैंने कहा कि तुम माइक ऑन करके इस बात का जवाब दो, उसके पीछे से आवाज आ रही थी मशीन की, तो मैंने उससे पूछा तुम कहां हो, तो वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं और यहीं से आपकी क्लास ले रहा हूं। वो आखिरी है जो यहां फैक्ट्री में काम करते हुए भी क्लास ले पा रहे,
क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजे। और दूसरा बच्चा हर दो मिनट पे अपने माइक ऑन करके कोई ना कोई सवाल का जवाब देने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, दूसरों को मौका दो। तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए सर, मैं बहुत देर तक अगर मोबाइल लेके बैठा रहता हूँ तो मेरी माँ को लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मोबाइल चला रहा हूँ, इसलिए कोई ना कोई काम लगा देती है मुझे, इसलिए मैं बीच में बोलते रहता हूँ ताकि उन्हें भी लगे कि मैं क्लास ले रहा हूँ। आप मजाक बना रहे हैं दरअसल पूरी शिक्षा व्यवस्था का। और इसके जरिए आपने जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात है इस मंच से की गई होगी, आप एक नई वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं। ए ग्रेड के विश्वविद्यालय सबसे टॉप के इस वर्ण व्यवस्था में होंगे, वहां कौन पढ़ेगा कौन पढ़ाएगा ग्रेडेड ऑटोनॉमी से, वो ए ग्रेड के विश्वविद्यालय, ए प्लस प्लस वो सारे ऑटोनॉमस हो जाएंगे, बी ग्रेड सी ग्रेड। मैं तो चिंता करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब रामराज आ गया है तो वहां का कौन सा विश्वविद्यालय ए प्लस प्लस होगा, वहां तो इमारतें हैं केवल शिक्षक है नहीं। तो वो जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी थी और उसके जरिए जो एक्सक्लूजन था, 45,000 डिग्री कॉलेजों को बंद करके आप 15,000 डिग्री कॉलेज करने वाले हैं, आप स्कूलों को बंद करके मेटा स्कूल खोलने वाले हैं, आप हमने सर्व शिक्षा अभियान के जरिए ये कोशिश की कि गांव के सबसे नजदीक में स्कूल हो ताकि सबसे कमजोर तबके के बच्चे भी स्कूल जाएं, और वहां मिड डे मील में जाति देख करके कि वो भोजन बनाने वाले की जाति दलित है और बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उस जगह पर आप कल्पना कर सकते कि मिडिल स्कूल में कोई पढ़ने जाएगा। विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं ताकि मंदिर की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। इसलिए मेरी अपील है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर आप किसी भी तरह से आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि आप अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करिए और शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी। ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था 1882 में, उसमें उन्होंने कहा था इस देश में अगर सबसे वंचित तबके को आप मुक्ति देना चाहते हैं तो उनको शिक्षित करिए और उसकी जिम्मेदारी शिक्षा, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की हो। आज वापस मनुस्मृति के देश में हमको ले जाने की कोशिश है और यह सबसे खतरनाक दस्तावेज एनईपी है। इसलिए किसानों के आंदोलन से सीख लेते हुए उससे बड़ा आंदोलन इस देश में नई शिक्षा नीति को बचाने के लिए खड़ा करना होगा, वरना इस गुनाह में हम इसलिए शरीक होंगे क्योंकि हम वो आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम का लाभ तो ले पाए थे लेकिन हम उसे बचाने में कामयाब नहीं हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।